देहरा कॉलेज में प्रोफेसर के खाली पदों को भरने व अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 3 छात्रों की हालत बिगड़ गई है। उन्हें CHC रेहन में ले जाया गया, जहां से एक छात्र को नूरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि देहरा कॉलेज में प्रोफेसरों के कई पद खाली हैं, साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। छात्र मांगों को लेकर निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इंदौरा कॉलेज से 2 प्रोफेसरों को डेपुटेशन पर देहरी कॉलेज भेजा था, पर प्रोफेसर ने आज तक ज्वाइन नहीं किया। मांगे न माने जाने से गुस्साए छात्रों ने 3 दिन पहले भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। आज 3 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। नूरपुर अस्पताल में दाखिल NSUI के सचिव मदन कुमार ने बताया कि अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ 3 छात्र और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी स्थिति भी मेरे जैसी ही है। किसी भी छात्र संगठन की आज तक प्रशासन ने नहीं सुनी। मेरी तबीयत बिगड़ने पर मेरे साथियों द्वारा मुझे रेहन के अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां पर फतेहपुर के SDM मौके पर पहुंचे, उन्होंने जबरदस्ती छात्रों को धमकाया और अनशन तुड़वाया। मेरा नाम मदन कुमार है, इनमें से जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। मैं पिछले 4 दिन से कल अमरण भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था। ना तो प्रशासन ने मेरी सुनी, मेरे 3 भाई और भी बैठे हुए थे, उनकी हालत भी मेरे जैसी है। ना किसी की प्रशासन ने सुनी। उन्होंने आज भेजी है, एक मैम भेजी है अंग्रेजी विषय की भेजी हुई है, वो भी मतलब उन्होंने भेजी है कि 6 दिन वो दूसरे कॉलेज में रहेगी और 1 दिन हमारे कॉलेज में आएगी। ये तो प्रशासन की मतलब जिसको बोलते हैं कि शरेआम अनदेखी हो रही है। बीमार हुआ हूँ, मैं तुरंत मेरे को मेरे भाई हैं जो AVP और NSUI के जो भी हैं वो सब मेरे को हॉस्पिटल लेके गए रहे। वहाँ पे मेरे जो मेरे साथ साथी बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, वो भी तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे फतेहपुर का SDM आया, उसने मतलब उन छात्रों को धमकाया और जबरदस्ती उनसे एप्लीकेशन लगवाई कि हम अनशन तोड़ रहे हैं और उनको 309 की धारा लगाने का धमकी। नूरपुर ABBP के नगर अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि छात्र संगठन देहरी कॉलेज के समर्थन में कॉलेज बंद रहेगा। वहीं देहरी कॉलेज के छात्र नेता रूबल शर्मा ने बताया कि कुछ समय से कॉलेज में हड़तालों का दौर जारी हुआ है। कॉलेज में इस समय 3100 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अध्यापकों की कमी को देखा जाए तो कुल 15 अध्यापक ही कॉलेजों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कॉलेज में 45 अध्यापकों की जरूरत है, लेकिन कॉलेज में इस समय 30 अध्यापकों की कमी चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से नियंत्रण यही मांग रही है कि जल्द से जल्द अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो लगातार कॉलेज में हड़तालें जारी रहेंगी और क्लास का बहिष्कार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि SDM फतेहपुर द्वारा जबरदस्ती से डराया गया और अनशन तुड़वाया गया। हमें आज हमें एक घटना सुनने को मिला, वो देहरी कॉलेज में ऐसे छात्र NSUI संगठन है, एक लड़का आज संगठन की भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था और वो जहाँ पे नूरपुर हॉस्पिटल में लाया गया, उन्हें ना उसने मैकी कॉलेज प्रशासन ने उसकी कोई कदर की और हम उनके खल समर्थन में देहरी वालों ने चक्का जाम करने का वो काम किया और उनके समर्थन हम उन सभी के सपोर्ट में करें। और ऐसा ही हमारे नूरपुर कॉलेज भी हो सकता है, क्योंकि नूरपुर कॉलेज में ऐसे भूख हड़ताल चल रही है तो उनके कल समर्थन के लिए नूरपुर कॉलेज भी कल पूरा दिन बंद रहेगा। और नूरपुर कॉलेज में हम कल स्ट्राइक चलेगा और नूरपुर कॉलेज कल पूरा दिन बंद रहेगा, उनका हम समर्थन। रूबल है, मैं देहरी कॉलेज से MCOM कोरेस्पोंडिंग कर रहा हूँ। कुछ समय से देहरी कॉलेज में निरंतर हड़तालें चल रही हैं। देहरी कॉलेज में 3100 बच्चा इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो कुल मिलाकर PTA की टीचर्स को मिलाकर आप वहाँ 15 टीचरों की जो उपलब्ध उपस्थिति है स्टाफ वहाँ पे है। मैक्सिमम देहरी कॉलेज में 45 स्ट्रेंथ की जो टीचरों की वैकेंसीज हैं वहाँ हैं, लेकिन उनमें 30 है जो टीचर्स वो कॉलेज में नहीं है। उसका मेन कारण हम कॉलेज में नहीं जानते कि क्या है, क्यों टीचर वहाँ कॉलेज में नहीं आ रहे, लेकिन हमारी सरकार से निरंतर यही मांग रह रही है कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ टीचरों की जो भरपाई है उसको पूरी करें, अन्यथा हम दिन प्रतिदिन देहरी कॉलेज में स्ट्राइक करेंगे, लगातार देहरी कॉलेज की क्लासों का बहिष्कार करेंगे जब तक कॉलेज और पूरा प्रशासन हमारी मांगों की तरफ प्रॉपर से ध्यान नहीं देता। आज हमारे 4 बच्चे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उनमें से एक जो बीमार हुआ
उस बच्चे को उठाकर रहन के अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पे नहीं पाई गई, कोई भी पुलिसकर्मी उस जगह पे मौजूद नहीं था। चार दिन से ये स्ट्राइक चल रही है, बच्चे निरंतर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन किसी भी प्रशासन को यहाँ पर कोई भी गौर नहीं कर रहा।